ये प्राइम न्यूज इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज है। आइए देखते हैं इस वक्त की आम खबर। कर्नाटका के शहर बेलगावी से है। इस वक्त बेलगावी में एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया गया है जिसे हम बेलगावी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी एक ऐसे स्टेडियम का इफ्तिताह ओपनिंग सेरेमनी की गई जो एक भूमि पूजन के जरिए और इस वक्त जो है कर्नाटका के मशहूर लीडर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बेलगावी डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर सतीश जारकेवाली यहां पर पहुंचे और इन्होंने अपने हाथों से भूमि पूजन करके इसकी इफ्तिताह की है। उसके बाद बेलगावी नॉर्थ के मशहूर एमएलए जनाब राजू सेठ साहब भी यहां पर थे और बेलगावी के डीसी रोशन साहब भी यहां पर मौजूद रहे और पुलिस कमिश्नर डीसीपी एसपी और बड़े बड़े लोग यहां पर मौजूद रहे और आम लोग भी थे जो इस मंदिर के अहाते में यहां पर इस चीज़ की ओपनिंग सेरेमनी यानी भूमि पूजन किया गया है। स्टेडियम खोलने का यानी बनाने का मकसद यही है कि हमारे देश के लोगों में खासकर बेलगावी के लोगों में स्पोर्ट्स के लिए इतना जोश जज्बा पैदा हो कि आज हम जो है स्पोर्ट्स के जरिए अपने देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर सकते हैं। जिस तरह ओलंपिक के गेम होते हैं, वर्ल्ड गेम होते हैं, इनमें तमाम में हमारा देश भारत जो है पार्टिसिपेट करता है, मगर इस वक्त बहुत ही कम मेडल लेकर भारत वापस आता है जो एक अफसोस की बात है। हमें ज़्यादातर जो है स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इसकी तरफ ख्याल करना चाहिए ताकि हमारा देश ऐसे बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल के स्पोर्ट्स में आगे बढ़कर काम आ सके। सतीश जारकेवाली ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उसके बाद राजू सेठ ने भी बड़ी खुशी का इजहार करते हुए इस ग्राउंड के बनाने की काफ़ी तारीफ की और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है सतीश जारकेवाली की तरफ से जो इस वक्त कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि स्टेडियम का जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सके, 2-3 साल के अंदर ये काम पूरा हो सके। आइए देखते हैं ये नज़ारा किस तरह था। Yeah.
खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।